भ्रमण, यात्रा, आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपको मंदिरों के शहर जम्मू से हिमाचल की वादियों में लाया। हिमालय की गोद में ये वो आश्रम है जिसे हम तपोवन के नाम से जानते हैं। एक बहुत खास बात है इस आश्रम की कि यहाँ पर भगवान की कृपा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है और भोलेनाथ के इष्ट श्री राम का प्यार है। खासियत ये भी है कि जब आप इस आश्रम में आते हैं तो सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी के दर्शन पाते हैं। तपोवन को चिन्मय तपोवन भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद जी ने की थी। ये तपोवन धर्मशाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर, ये तपोवन आश्रम हिमालय की धौलाधार रेंज में बसा हुआ है और इसके किनारे पर बसंतर नदी बहती है जिसकी कलकल करती पानी की आवाज इस आश्रम के वातावरण को और भी संगीतमय और आनंदमय बना देती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुरोहित राम नरेश नोटियाल जी से और जानते हैं इस तपोवन का इतिहास और जानते हैं यहाँ की खास बात जिसकी वजह से हम दूर दूर से खिंचे हुए इस तपोवन में आ जाते हैं। पुरोहित जी, जय श्री राम। हरिओम जी। यहाँ का नाम है तपोवन। तपोवन कौन थे? गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके गुरु जी, उनका नाम तपोवन था, जो गंगोत्री के ऊपर गौमुख और गौमुख के ऊपर तपोवन में विराजमान रहते थे। गर्मियों में वो ऊपर उत्तर काशी जाते थे गंगोत्री तपोवन, और सर्दियों में नीचे ऋषिकेश आते थे। तो ऋषिकेश रहते थे स्वामी शिवानंद जी के वहाँ पे। तो स्वामी शिवानंद जी के पास सबसे पहले गुरुदेव गए, वहाँ पे उन्होंने उनका इंटरव्यू, वो भी पत्रकार थे, उनके पास गए। उसके बाद फिर उन्होंने ही तपोवन महाराज जी के पास भेजा। तो उन्होंने 7 बरस तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर जब वापस आए तो स्वामी तपोवन महाराज जी ने कहा कि जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा है आप वहीं जाइए और उनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए। तो पहले गुरुदेव का नाम आप लोग जानते होंगे बाल कृष्णन था, बाद में उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद जी नाम दे के संन्यास दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू की। सबसे पहले वो कहते हैं पूना में गए, वहाँ पे पहला प्रवचन उन्होंने 1951 में किया। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते
गुरुदेव का नाम भी आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 1979 में इस जगह पे आए, तब तो ये तपोवन नहीं होता था, इस जगह का नाम है वैसे पुराना सिद्धबाड़ी। कहते हैं कि यहाँ पे कहीं से भी खोदो तो पानी की कहीं से भी पानी निकल आता है, तो इसलिए देखा होगा आपने हर जगह यहाँ पे पानी पानी निकलता रहता है। अगर आप इधर सिद्धवाड़ी की तरफ जाओगे गांव के तरफ से तो बहुत जगह वो बौड़ियाँ बनी हुई है और वहाँ पे पानी निकलता है। तो गुरुदेव भी यहाँ पे आए, फिर गुरुदेव 1979 में यहाँ पे आए और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे शांता कुमार जी, उन्होंने इस जगह को दान दिया चिन्मय मिशन को। उसके बाद फिर आपके जम्मू के भी डॉक्टर करण सिंह जी थे, वो भी यहाँ पे आए क्योंकि गुरुदेव को बहुत मानते थे, फिर उन्होंने इस जगह को दान किया जी। फिर यहाँ पे देखने के लिए लोग क्यों आते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ें बहुत मुख्य है। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति, फिर श्री राम मंदिर और गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की समाधि। इस स्थल को देखने के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत दिव्य है और बहुत अच्छा है, और लोग आध्यात्मिक पढ़ने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे शांति मिलती है। आप लोग आश्रम का भ्रमण कीजिए, आपको दिखाई देगा हनुमान जी की मूर्ति है 36 फुट की और बहुत दिव्य मूर्ति है। ऐसी मूर्ति शायद इस इलाके में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा है गुरुदेव की समाधि। वैसे तो गुरुदेव की बहुत सारी समाधियाँ हैं और ओरिजिनल यही है। जब गुरुदेव ने अमेरिका में शरीर छोड़ा था तो गुरुदेव को ये जगह बहुत पसंद थी, उन्होंने पहले ही चूज़ कर लिया था कि मुझे हिमालय की गोद में रखना है। तो यहाँ पे फिर गुरुदेव की समाधि बनाई गई। यहाँ पे सुबह 6 बजे रोज़, चाहे यहाँ पे बारिश हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, 6 बजे सुबह पूजा होनी है वहाँ पे तो होनी है, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं। और यहाँ इसकी सेवा मैं यहाँ पुरोहित रूप में 17 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। हम भी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के अपना मंदिर पूजा किया, फिर 6 जैसे ही बजेगा 1 मिनट पहले समाधि में पहुंच जाते हैं और सुबह जैसे ही 6 बजेगा पूर्व सुख से वहां पे पूजा शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर राम मंदिर आरती होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, और यहां पे फिर उसके बाद 7:30 बजे वेदांत की पहली कक्षा शुरू हो जाती है। जो बच्चे भी रहते हैं वो यहीं रहते हैं, खाना पीना रहना सारी व्यवस्था उनकी आश्रम में है और निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी चार्ज उनसे लिया नहीं जाता है। हरिओम। हरिओम। दोस्तों, ये वो आश्रम है जहाँ हर समय प्रभु राम की भक्ति में लीन हुए भक्तों को सुन रहे होंगे, जैसे कि आप हमारे पीछे भी अभी आवाज सुन रहे हैं। ये वही भक्त हैं, ये श्री राम परिवार है हमारे साथ, जो आज के हमारे इस एपिसोड का खास मेहमान है। राम परिवार जो हर समय हर जगह प्रभु राम की भक्ति में लीन रहता है, और अभी हम आपको दिखाएंगे उनके ही मुखारविंद से निकले हुए कुछ राम भजन। प्रभु की भक्ति में एक क्षण भी दे दे, वही राम भक्त है और वही राम परिवार का हिस्सा है। Oh,
श्री किशोरी जी से प्रकट होकर वो दिखने गई उधर चली गई जहाँ पर उसने क्या देखा तही दो बंधु में लोग जाए उसने देखा पूरे नीलाभ उजास छाया हुआ है हमारी फुलवारी में कभी ये उजास नहीं था हमारी फुलवारी रंगों से भरी हुई है अनंत रंगों से भरी है उसमें नीलाभ भी है उसमें गुलाब भी है उसमें नीलाभ भी है उसमें गुलाब भी सारे रंग भरे पड़े हैं और ये नीलाभ रंग कुछ कह रहा है इसकी आभा मंडला कहा था ये क्या रंग है वो एकदम श्री किशोरी जी से निकल कर गई और उसने वहां ऐसे गई ऐसे भागी उड़ती उड़ती गई और जैसे ही वहां से देख कर आई क्या देखा तेई दो बंधु भी लोग जाए उसने जाके देखा पूरे कितने सुंदर कुंवर जी ने जाकर देखा तेई दो बंधु भी लोग जा रही प्रेम भी बस सीता प्रेम के वश होकर सीता जब वो आई ऐसे आई जैसे प्रवाहित एक झरना बहता आ रहा ठाकुर जी के प्रेम का आकर जब उसको देखा सब सखी ने उसने देखा तासु दशा विलोक की सखी बोले कांप जल रहे हैं उसके शरीर में कंपन हो रहा है उसकी आंखों में जल की धारा बह रही है पुलक कांप जल रहे हैं बहु कारण मुझे परिचय कर सब कुछ नहीं वहां एक गोष्ठी लगी है सरोवर के इस किनारे राम लक्ष्मण जी बैठे हैं इस किनारे सखियों के साथ श्री किशोरी जी की गोष्ठी लगी है एक जैसे सखियों के बीच में कुमार सभी के साथ अपनी इस भक्तिमय यात्रा यानी तपोवन की यात्रा की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं और आप सभी के साथ इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं आप सभी को ये वादा करते हुए आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आप सभी से विदा लेता हूं और वादा करता हूं कि जल्द ही आपको किसी और अन्य जगह की यात्रा पर लेकर जाऊंगा और उस यात्रा में उस स्थान के उन अनकहे अनसुने अनजाने फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे और भगवान की असीम कृपा को पाने की कोशिश करेंगे आपके साथ मेरा विश्वास बना रहे हम सभी का यूं साथ बना रहे तो ये यात्रा भी चलती रहेगी और भक्ति का भ्रमण यूं ही चलता रहेगा जय श्री राम दोस्तों अगर आपको हमारा ये भक्ति भ्रमण पसंद आए तो हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखें इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें और एक खास बात दोस्तों
अपने कमेंट्स में हमें सजेशंस भी जरूर दीजिएगा, और अगर ऐसा कोई स्थान है जिसे आप जानते हैं और चाहते हैं कि उस स्थान का भ्रमण हम सभी करें, उस स्थान पर भगवान की कृपा हम भी पा सकें, उस स्थान के बारे में हम भी जान सकें, तो कृपया हमें वो स्थान के बारे में ज़रूर बताएं। आपका साथ रहे, हम सभी का विश्वास रहे, तभी ये भक्ति भ्रमण आगे बढ़ता रहेगा और संसार को भक्तिमय करता रहेगा। जय श्री राम।